महिलाओं को, महिलाओं का विकास को वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी कि महिलाओं के द्वारा विकास, इस परिभाषा को चिन्हित किया। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नए भारत में देश की महिलाओं की भागीदारी बराबरी की हो, महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को न्याय मिले, महिलाओं को देश की विकास की भागीदार बनाई जाए, महिलाओं को सशक्त की जाए, इसलिए मोदी जी ने 7 पिलर पर वुमेन लेड डेवलपमेंट पर काम किया है। पहला, महिलाओं को सुरक्षा दी गई। दूसरा, सशक्त और संबल महिलाओं को कैसी बनाई जाए उसके लिए काम किया गया। महिलाओं की समृद्धि के लिए काम किया गया। महिलाओं का स्वीकार करा गया। जिस देश में और दुनिया में 50% समाज का हिस्सा ये महिला है, ये महिला के का अस्तित्व का स्वीकार करके उसको बराबरी की भागीदारी देना, उसको विकास में शामिल करना बहुत आवश्यक होता है। महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराना, महिलाओं को सम्मान देना और महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करना, ऐसे 7 पिलर पर मोदी गवर्नमेंट ने काम किया करा है। महिला सुरक्षा की बात करें तो मैं बता सकता हूँ कि देश में जेंडर रेशियो अनबैलेंस होता है तो क्या स्थिति होती है। आवश्यक होता है कि देश में जेंडर रेशियो डिस्टर्ब ना हो। मोदी जी ने 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया और आज बेटियों की संख्या बढ़ रही है। 2014 में प्रति 1000 पुरुष के सामने, महिला के पुरुष के सामने 918 महिला थी, आज बढ़ के 934 महिला का बर्थ रेट हम देख रहे हैं। वैसा ही महिलाओं के सुरक्षा के लिए 181 हेल्पलाइन 733 केंद्र से चालू की गई है जो महिला को सुरक्षित बनाती है। दोस्तों, महिला के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति चलाया गया। उसके अलावा महिला सशक्त कैसे हो उसके लिए नारी अदालत की स्थापना की, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा महिला का स्किलिंग किया गया, मातृ वंदना योजना से महिलाओं को सुरक्षित की गई, कोई महिला एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप करे और वो स्टैंडअप होना चाहते हैं, अपने क्षमता पर खड़ी होना चाहती है तो वैसे 10,00,000 तक महिलाओं को लाभ मिले, उसके लिए 10,00,000 से 1,00,00,000 की बैंक से सहाय मिले, उसके लिए भारत सरकार ने योजना चालू की। उसके लाभार्थी 80% महिलाएं हैं। मुद्रा योजना की हम बात करें तो मुद्रा योजना की 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका लाभ लेके हमारे देश की महिला आज सशक्त और संबल हो रही है। हम महिला की समृद्धि के लिए बात करें तो मैं इतना अवश्य कहूँगा, ज़्यादातर महिला के लिए सुविधा उपलब्ध हो, महिलाएं सुविधा का उपयोग करके समृद्ध कैसे बने। आज मैं इतना आपके सामने 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल में बता सकता हूँ, 4 करोड़ आवास देश में बनाया गया है, लोगों को छत दी गई है, उसमें से 70% आवास महिलाओं के नाम से है। आज सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आज देश की 3 करोड़ महिलाओं को मिला है। महिला समृद्धि की ओर आगे बढ़े इसलिए लखपति दीदी की योजना मोदी जी ने चलाई और 2 करोड़
हमारी लखपति दीदी बने, उसके लिए गति से काम चल रहा है। वैसा ही देश में सभी महिलाओं के पास बैंक अकाउंट हो, 50% महिला 50% बैंक अकाउंट को रेशियो में आज हम पहुंच गए हैं। और महिलाओं को समृद्ध करने के लिए मोदी जी ने थोड़े दिन पहले ही नमो ड्रोन दीदी, यानी कि देश में 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त करने के लिए उसको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको ड्रोन दिया जा रहा है ताकि वो अर्थोपार्जन भी कर सके और एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा नया रिफॉर्म में बदलाव का वो हिस्सेदार बने। भारत सरकार की फर्टिलाइजर कंपनियां आज महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को, हमारी नमो ड्रोन दीदी को तालीम दे रहे हैं, उसको ड्रोन प्रदान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये हमारे 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप सशक्त होंगे और उसमें से एक महिला ट्रेन होगी, वो किसान के खेत में जाके ड्रोन से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, पेस्टिसाइड जैसे आवश्यक इनपुट्स का स्प्रे करके अपनी आमदनी कमा पाएंगे। दोस्तों, ये जरूरी है महिलाओं का अस्तित्व का स्वीकार करना, देश की विकास की भागीदारी में उसको शामिल करना। और इसलिए मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन कानून पारित करा, उसमें विधानसभा में 30 विधानसभा और लोकसभा में यानी कि असेंबली और पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करके महिलाओं की भागीदारी डेमोक्रेसी में भी सुनिश्चित हो, उसका डेमोक्रेसी में जन प्रतिनिधित्व करने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए प्रयास किया गया। मैं महिलाओं को सुविधा कैसे मोदी जी ने दी उसके बारे में बात करूं तो मैं बता सकता हूं कि आज हम 10 करोड़ से अधिक गैस सिलेंडर महिलाओं को दे चुके हैं। 10 करोड़ से अधिक घर में लकड़ी से चूल्हा नहीं जलता है, अभी गैस से चूल्हा जलता है, बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है मैं विधायक था और मुझे गैस सिलेंडर चाहिए था, तो वेटिंग में मेरा नाम दूर था, नहीं आ रहा था, तो उस वक्त मैं सांसद जी के पास गया था और कोटा से गैस सिलेंडर लेके आया था। आज कितना बदल हुआ है, एक गरीब के झोपड़े में गैस सिलेंडर आ रहा है, उसको किसी की सिफारिश और किसी के पास कोटा के लिए नहीं जाना पड़ रहा। वैसा ही सामान्यतः घर में जल लाने का काम, पानी लाने का काम महिला करती है, उसको दूर सुदूर गांव में जहां पानी उपलब्ध है वहां बेड़ा लेके जाना पड़ता है, लेकिन उसके घर में टैप से पानी मिले उसके लिए 10 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचा है, महिलाओं की सुविधा बढ़ी है। वैसा ही महिलाओं की सुविधा बढ़ाने के लिए जिस प्रयास से काम हुआ है उसका लाभ आज देश की महिला को हो रहा है। महिला को सम्मान दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, वो छोटी बात नहीं है। जो गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं उसको पता होता है घर में टॉयलेट नहीं होता है तो उसको रात तक राह देखनी पड़ती है और बाहर टॉयलेट जाने की नौबत आती है। लेकिन आज 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को इज्जत घर उपलब्ध करा के महिला का सम्मान किया गया है। स्वास्थ्य सेक्टर में एज ए हेल्थ मिनिस्टर के रूप में मैं बता सकता हूँ कि महिला के स्वास्थ्य की सुविधा की चिंता बहुत आवश्यक होती है और महिला के हाइजीन की चिंता करने के लिए मोदी जी ने जन औषधि केंद्र पर 1 रुपीज़ 1 सैनिटरी पेड महिलाओं को उपलब्ध हो उसके लिए काम करा। नतीजा ये निकला कि 35 करोड़ से अधिक आज महिलाओं को सैनिटरी पेड बांटा गया है। पहले
बहुत कम कवरेज था, 20 से 25% सैनिटरी पैड का यूज होता था, आज वो बढ़ के 55% से अधिक महिलाएं सैनिटरी पैड का यूज कर रही है, ताकि उसके गायनेक हेल्थ संबंधी इश्यू से मुक्ति मिल पाए। वैसा ही महिलाओं को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि 2015-16 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता था स्टंटिंग की स्थिति 58% थी, वो कम होकर 35% हुई है। वेस्टिंग की स्थिति 21% थी, आज 19% हुई है, रिड्यूस हुई है। अंडरवेट 35% था, वो आज 32% हुआ है। वैसा ही उसकी बॉडी का वेट और बैलेंस वेट जो पहले 22% था, वो कम होके 18% हुआ है। यानी कि महिला के स्वास्थ्य के लिए भी भारत सरकार ने, हेल्थ विभाग ने जो प्रयास किया है, उसका आउटपुट आज दिखने लगा है। आने वाले दिनों में हमारे देश की महिलाएं, जब हम आज़ादी का अमृत काल से पास हो रहा है और मोदी जी ने 2047 यानी कि देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, उस वक्त भारत विकसित राष्ट्र बने, और ये विकसित राष्ट्र बनाने में हमारी देश की महिलाओं की भूमिका बराबरी की हो, बढ़ चढ़ के हो, और महिला अपना कंट्रीब्यूशन समृद्ध भारत बनाने में अच्छी तरह से दे पाए, इसलिए 4 पिलर पर मोदी जी ने काम करके महिला का सशक्तिकरण करा है। मैं अवश्य कह सकता हूँ कि जिस तरह से महिलाओं की भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ रही है, इसका आउटपुट इतना ही अच्छा हमारे सामने आ रहा है। धन्यवाद। बताओ हो गया? ये नहीं करना है, वो हेल्थ पर करूँगा, अभी नहीं, ये तो हमारे यहाँ होता है। सर एक सवाल है इसमें, आपके पास मंत्री है, जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी मृत्यु दर जो होती थी साल की, वो 137 थी 2014-16 के आंकड़े में, अभी वर्तमान में क्या है और उसमें और सुधार की सकती है? उसके मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट वो डाउन हुआ है, मृत्यु दर जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ रहा है, आज 84% से अबव बर्थ इंस्टीट्यूशनल यानी कि अस्पताल में, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है। जैसे उसके बाद बर्थ के बाद भी 2 दिन तक बच्चे को और उस माता को ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है, उसके साथ उसके परिवार के कोई सदस्य रहे तो उसको भी आर्थिक सहयोग दिया जाता है, ताकि बर्थ हॉस्पिटल में हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो और मोर्टालिटी रेट यानी कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट में कटौती आए यानी कि कमी आए, और किसी बच्चे का भी और माँ का भी मृत्यु ना हो, उसके लिए चिंता की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत तो महिलाओं को कितना बदलाव मिला है, जो इलाज करा रही है इसका? आयुष्मान भारत योजना के तहत महिलाएं कितना बदलाव? आयुष्मान भारत योजना में आज 6 करोड़ से अधिक कुल मिला के इलाज करा गया है, उसमें से 3.5 करोड़ से अधिक महिलाओं का इलाज करा गया है। ये अच्छी बात है, आयुष्मान भारत योजना आज वरदान रूप साबित हुई है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, सामान्यतः परिवार में कोई बीमारी आती है, महिला स्वयं
अपनी छोटी मोटी बीमारी को इग्नोर करके अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई बार वो इलाज नहीं कराती है। पहले अपने बच्चों को प्रायोरिटी देती है इलाज के लिए, अपने पति की हेल्थ के लिए प्रायोरिटी देती है, अपने स्वयं को तीसरे क्रम में रखती है। लेकिन मोदी जी ने 5 लाख की हेल्थ सिक्योरिटी दी है, उसका नतीजा ये निकला है कि महिला अपना इलाज करा रही है, ऑपरेशन की आवश्यकता हो तो ऑपरेशन करा रही है। समाज जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है।